बस टूट जाएगा, बस टूट जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सर आप तो ठीक हो ना? प्रत्याशी माननीय ढोलू महतो जी से आग्रह करूंगा कि आवे और हम सबों को संबोधित करें। ढोलू महतो जी, हेमंत शर्मा जी उपस्थित हमारे बीच। राहुल जी, गुड्डू जी, प्रशांत जी, गुप्ता जी, नंदी जी, और शांति बनाए रखिए। आप लोग अपना अपना स्थान पर बैठ रखिए। जय श्री राम। लेकिन सर आप आइए ऐसा जरूर जनता लगे। हो गया एक मिनट सर। भारत माता के, नरेंद्र मोदी।
नरेंद्र मोदी। खबर खत खबर खत, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सीता जी के लिए मेसिन में खबर खत दबाना है, दबाना है कि नहीं दबाना है। भाई और बहनों, राम मंदिर हो चुका, 300 सीट जब मोदी जी को मिले, मोदी जी ने देखा कश्मीर में दो निशान है, दो प्रधान है, दो विधान है। मोदी जी ने निर्णय किया आर्टिकल 370 जाना है, और मोदी जी ने 300 सीट जब मोदी जी को मिला, मोदी जी ने 370 धारा भी हटा के दुनिया को दिखा दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने दुनिया को दिखा दिया। जो व्यक्ति, आप मेरा बात सुनिए, जो व्यक्ति अपना भाई का नहीं हो सकता है, क्या वो व्यक्ति आपका हो सकेगा? वो व्यक्ति क्या आपका हो सकेगा? आप बोलिए, अगर मेरा जो एक ही पिता है, मेरा अपना भाई है, घर का सबसे छोटा है, अगर मैं मेरा छोटा भाई को न्याय नहीं दिला सकता हूँ, तो मैं क्या बाकी लोगों को न्याय दे सकता हूँ? क्या मैं दे सकता हूँ? आज ये महिला ने कौन सा पीड़ा लेके बीजेपी में ज्वाइन किया है? मैं नहीं मानता हूँ एमपी बनने के लिए बीजेपी में ज्वाइन किया है। 15 साल से तो विधायक का था ही, और एक बार जेएमएम उनको टिकट दे देते थे और एक बार विधायक का बन जाते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं, ये महिला, ये माँ, ये बेटी, आज आप बताइए वो आपका बेटा था कि नहीं? उनका कम से कम डेड बॉडी में पोस्टमार्टम होना चाहिए था कि नहीं चाहिए, आप लोग बताइए। दुर्गा सोरेन जी आदिवासी थे कि नहीं? नहीं, बसंत सोरेन भी उनका भाई है। बसंत सोरेन को दुर्गा सोरेन का पोस्टमार्टम करना चाहिए था कि नहीं चाहिए? मैं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, खाली हेमंत सोरेन का तकलीफ नहीं है, ये बसंत सोरेन का भी जिम्मेदारी है, दोनों के एमएम में है, ये दोनों का जिम्मेदारी था कि नहीं था? मैं अकेला हेमंत सोरेन को नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोग आम पेड़ के तो हाथ में उठा रहे हैं, हम जय श्री राम। एक बात, किसान विधानसभा के अंदर जितने बहुमतिया देता है, सभी एमएलए चुनाव लड़ने वाले आज सब इंडिया गठबंधन में घूम रहा है। आज एक पिछड़ा वर्ग का बेटा को प्रधानमंत्री बनाने से रोकने का काम यहाँ के सारे बहुमतिया नेता लोग कर रहा है। कल ये लोग आज मोदी जी का विरोध कर रहा है, ये लोग कल चुनाव में आएगा, गांव में घुसने मत दीजिए, जो मोदी का विरोध करेगा उसको गांव में घुसने मत दीजिए विधानसभा चुनाव में। यही मैं कहने के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, चौहान। आप लोग आम पेड़ के तो हाथ में उठा रहे हैं, जय श्री राम। एक बार, माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी। खबर खत, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सीता जी के लिए मेसिन में खबर खत दबाना है, दबाना है कि नहीं दबाना है? भाई और बहनों, राम मंदिर हो चुका, 300 सीट जब मोदी जी को मिले, मोदी जी ने देखा कश्मीर में दो निशान है, दो प्रधान है, दो विधान है। मोदी जी ने निर्णय किया आर्टिकल 370 जाना है, और मोदी जी ने 300 सीट जब मोदी जी को मिला, मोदी जी ने 370 धारा भी हटा के दुनिया को दिखा दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने दुनिया को दिखा दिया। भाई और बहनों, हमारा पश्चिम बंगला में लोगों को नौकरी नहीं मिलते हैं, साकरी बाकरी किसी को नहीं मिलते हैं, गरीब को तो कुछ नहीं मिलते हैं। हमारा असम में बीजेपी का सरकार आया, मोदी जी ने मुझको बोला कि पहला साल में ही
तुमको 1,00,000 नौकरी देना है और 5 साल में तुमको 2,00,000 नौकरी देना है। पहले मैं सोचा था कि मैं सकूंगा कि नहीं सकूंगा, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद में मैं पहला साल में ही 1,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का मैंने काम किया। 1 पैसा मैंने नहीं लिया, सबको स्टेडियम में बुलाया और एक एक करके अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में उठा दिया, किसी से पैसा नहीं लिया, कोई कोर्ट केस नहीं हुआ। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में ममता दी खाली 23,000 शिक्षक को नौकरी देते हैं और करोड़ करोड़ रुपया का बंडल पार्थ चटर्जी का गर्लफ्रेंड का घर से बरामद होता है। आप लोग सोचिए, शिक्षा मंत्री है, देश को शिक्षा देना है, लेकिन उनका मकान में उनका घर में नोटों का पहाड़ होते हैं। हमारा असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में जब लड़की हायर सेकेंडरी पास करते हैं उनको हम कॉलेज जाने के लिए सरकार से स्कूटी देता हूँ। लड़की को यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए एडमिशन फ्री होता है, किताब फ्री होते हैं, हॉस्टल मेस ड्यूज फ्री होते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमें 25,000 रुपया लड़की को हाथ खर्चा भी हम लोग देता हूँ। लेकिन आज पश्चिम बंगला में इतना रुपया होने का बावजूद हमारा गरीब लोगों को कुछ स्कीम नहीं मिलते हैं। मथुरापुर में इतना बढ़िया मीठा पट्टा होते हैं, लेकिन मीठा पट्टा को रखने के लिए आपका पास कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था भी नहीं है, आप लोगों को दाम भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमें अशोक पुरकाई जी को जिताना है और मथुरापुर का गरीब को आवास देना, मथुरापुर का गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड देना, मथुरापुर में विकास का काम करना, ये हमारा कर्तव्य होगा और ये सारे काम हम लोग करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम का जन्मभूमि हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। इस बार आप मोदी जी को 400 सीट दीजिए, हमें किसका जन्मभूमि भी बनाना है, हमें ज्ञानवापी मंदिर भी बनाना है, यह भी हमारा भारत का संकल्प है। भाइयों बहनों, करेगा तो असम में हल्ला हो जाएगा, आप कंट्रोल करने का काबिल नहीं रहेगा। मैंने उनको बोला, तुम्हारा काम तुम करो, ये दुकान बंद करो, बाकी मोल्ला हुकुम मैं निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो। हमने सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी जी को इस बार 400 सीट दीजिए, ये साल शादी करने वाला दुकान हम हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, ये हमारा वादा। ये कैसा दुनिया है, ये कैसा दुनिया है, एक आप लोग देखिए, हम लोग हमारे घर में एक बीवी है, नाराज होते रहते हैं, भाई तुम 9 बजाते 11 बजाते 2 बजाते हो, हमारे लिए समय नहीं है। और वो लोग का कमाल देखिए, हम लोग एक बीवी को खुश नहीं कर सकता हूँ, वो लोग 4 बीवियां लेके आते हैं, 4 बीवियां लेके आते हैं, ये कैसा कमाल वाला लोग होगा। और आप लोग देखिए, हम लोग 2-3 बेटा को स्कूल नहीं भेज सकता हूँ, ये लोग 12-12 16-16 बेटा पैदा कर लेते हैं, 12-12 16-16 बेटा बेटी को पैदा करता है, किसी को स्कूल नहीं भेजते हैं। आप देखिए, ये मुसलमान बच्चा का पीड़ा देखिए, ये लोगों को जन्म दिया जाते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दिया जाते हैं, इससे दुख का क्या बात हो सकता है। आप लोग बोली भाई बहनों, हमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है,
ज्ञान रूपी मंदिर बनाना है, ऑक्यूपाई कश्मीर भारत में लाना है, मदरसा का दुकान बंद करना है, साल साल साथिया वाला दुकान हमें बंद करना चाहिए। इसीलिए हमें मोदी जी को साल सौ सीट देना चाहिए, एक भी कम नहीं देना चाहिए, साल सौ सीट देना चाहिए। और भाइयों और बहनों, आप लोग आइए और विधानसभा चुनाव का समय मैं दोबारा आपका बीच में आऊंगा, तब तक सीता जी एमपी बन जाएगा, ठीक है ना? बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। भगवान हमें आध्यात्मिक सुख शांति भी देते हैं, लेकिन हमारा हिंदुओं का मंदिर में हमारा देश का करोड़ों लोगों को रोजगार भी देते हैं। और आप हिसाब करके देखिए, एक अयोध्या का राम मंदिर जितना रोजगार दिया है, जेएमएम सरकार ने भी 5 साल में इतना रोजगार नहीं दिया है। आज आप अयोध्या में जाइए, ये अयोध्या का राम लाला का मंदिर होने के बाद अयोध्या का गरीबों को जितना नौकरी मिला है, जितना रोजगार मिला है, इतना रोजगार 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार ने भी नहीं दिया है। मेरा भगवान लेता नहीं है, मेरा भगवान सबको देता है। इसीलिए 5000 सालों से हिंदू है। और मैं हेमंत सोरेन को बोलता सा होगा, 5000 साल से हमारा देश में हिंदू है, हिंदू आज भी है, और जब तक सान और सुरूज रहेगा तब तक हमारा हिंदू रहेगा। आप लोग हिंदू को कुछ नहीं कर सकते, थोड़े बहुत आप घूस पे चिल्ला सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रहिए ये घूस पे थियों को कानून का रास्ता पकड़ते हुए हम भी कोई दिन ये लोग घुसपैठियों को भी वहां पर भगा देगा। हम वोट बैंक का राजनीति कर ले, हम किसी को नहीं दूंगा, ये आप लोग याद रखिए। भाइयों और बहनों, हमें नया झारखंड बनाना है, मोदी जी का नेतृत्व में हमें नया झारखंड बनाना है, जहां रोजगार होता है, गरीब का सुनवाई होता है, माँ बहनों का न्याय होते हैं और सब शांति में रहते हैं। ऐसा एक नया झारखंड बनाने के लिए आप लोग सब मिलके डबल इंजन का सरकार बनाइए। पहले दोनों महतो को वोट दीजिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, और 6 महीने बाद हम लोग सब मिलके झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाऊंगा, झारखंड में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। भाइयों और बहनों, ये आलमगीर आलम जैसा लोगों का कहानी। अभी हमें 400 सीट चाहिए। क्यों 400 सीट चाहिए? संविधान बदलने के लिए नहीं, इसलिए हम जो कुछ चाहता हो वो संविधान में ही है। हम क्या चाहता हूं, हमारा मथुरा में औरंगजेब ने जब उनका शासन था, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि का जगह में शाही ईदगाह बनाया था। मतलब जैसे रामलला का जगह में बाबरी मस्जिद बना था, ऐसे ही हमारे मथुरा में जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था वहां में शाही ईदगाह बना के रख दिया है। भाइयों और बहनों, बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर का सामने यही औरंगजेब ने हमारे ज्ञान गापी मंदिर को तोड़ा था, और आज भी वहां में ज्ञान गापी मस्जिद है। भाइयों और बहनों, अरे बहुत बढ़िया, चलो भैया हो गया।
आज आप देखिए बालिका माफिया से लेकर सब कुछ झारखंड में होते हैं, खाली गरीब का सुनवाई नहीं होते हैं, बाकी यहाँ में सब कुछ होते हैं। हमारे झारखंड में ईसाई मिशनरी लोग आते हैं, आदिवासियों का धर्मांतरण करते हैं, लेकिन हमारा सरकार कुछ नहीं बोलते हैं। ये जो सरकार है, ये सरकार हिंदू का हक के लिए, हिंदू का अधिकार के लिए कुछ नहीं करते हैं, खाली तुष्टिकरण का राजनीति करता है। अभी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने ये बोला है कि जब हमारे सरकार आएगा दिल्ली में, तब हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देगा। कैसे मुसलमान को रिजर्वेशन देगा? हमारा संविधान में लिखा हुआ है, अगर रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन देना है, हम एसटी को दूंगा, जो एसटी का अधिकार है, एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये ओबीसी का अधिकार है, लेकिन धर्म का आधार में क्या मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आज ये जेएमएम और कांग्रेस लोगों ने सरयन कर रहा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन काट के ये लोग मुसलमान को रिजर्वेशन देने का। भाइयों और बहनों, जब तक बीजेपी है, जब तक हम लोग है, तब तक ये देश में हम मुसलमान को रिजर्वेशन करने नहीं दूंगा। ये भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। आज आप लोग देख सकता है कि हमारे ये जो कांग्रेस और जेएमएम तुष्टिकरण का राजनीति करता है, वो लोग मुसलमान का कल्याण का भी काम नहीं करते हैं, खाली तुष्टिकरण का राजनीति करता है। आप लोग देखिए, आज झारखंड में शुक्रवार में भी बंद देने का वो लोग काम करता है। हमारे झारखंड असेंबली में मस्जिद बना देते हैं, नमाज का व्यवस्था कर देते हैं, हमको भी मौका दो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हमें भी मौका दो। आप क्यों, आप नमाज पढ़ने का क्यों व्यवस्था करेगा, हमें भी हनुमान चालीसा करने का जगह दो, वो लोग नहीं देते हैं। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख चुका है हमारा देश का घुसपैठियों का कारण हमारा देश का कितना परिवर्तन हो रहा है। आप लोग ने देखा है, पहले असम, उसका बाद पश्चिम बंगला, अभी बिहार, अभी झारखंड में भी घुसपैठी घुसना शुरू हो चुका है। हमारा झारखंड का आदिवासी बहनों को फुसला के शादी करके हमारा यहाँ में घुसपैठियों भी अपना एक बहुत बड़ा घुसपैठी का संख्या बढ़वाने का काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, आज आप लोग देख रहा है कि हमारा झारखंड का हालत आज बिगड़ रहा है, और हमारा यहाँ में हमारे सभा में आके हमारे जेएमएम का नेता अभी जय श्री राम नहीं बोलते हैं, अस्सलाम अलैकुम बोलते हैं। मैं जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले, अस्सलाम अलैकुम जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा, ये आप याद में रखिए। आप हिंदुओं को अपमान करके आप राजनीति नहीं कर सकते हो। ये जेएमएम मोदी जी का ऊपर नाराज है कि सीबीआई और ईडी क्यों आते हैं? आपका झारखंड में एक संसद का घर में रेत पड़ता है, 300 करोड़ बरामद होता है, आलमगीर आलम जैसा का घर में, उनका पीए का घर में 37 करोड़ रुपया बरामद होता है। अगर
ईडीआई ईडी और सीबीआई नहीं होते थे, ये पैसा ये लोग खा जाते थे। आज मोदी जी ने ईडीआई और सीबीआई से ये लोगों से पैसा लाके गरीब का घर बनाने का, गरीब को पानी देने का काम कर रहा है। इसीलिए हमें ईडी भी चाहिए, हमें सीबीआई भी चाहिए। हमारा असम एक छोटा प्रदेश है, लेकिन असम में जब लड़की हायर सेकेंडरी पास करते हैं, उनको हम कॉलेज जाने के लिए सरकार से स्कूटी देता हूँ। लड़की को यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए एडमिशन फ्री होता है, किताब फ्री होते हैं, हॉस्टल मेस ड्यूज फ्री होते हैं, और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमें 25,000 रुपया लड़की को हाथ खर्चा भी हम लोग देता हूँ। लेकिन आज पश्चिम बंगला में इतना रुपया होने का बावजूद हमारा गरीब लोगों को कुछ स्कीम नहीं मिलते हैं। मथुरापुर में इतना बढ़िया मीठा पट्टा होते हैं, लेकिन मीठा पट्टा को रखने के लिए आपका पास कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था भी नहीं है, आप लोगों को दाम भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए हमें अशोक पुरकाई जी को जिताना है और मथुरापुर का गरीब को आवास देना, मथुरापुर का गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड देना, मथुरापुर में विकास का काम करना, ये हमारा कर्तव्य होगा और ये सारे काम हम लोग करके दिखाऊंगा।